महाभारत भारतीय साहित्य और धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध विशेष महत्वपूर्ण है। इस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के युद्ध संवाद का है, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। यह गीता जीवन के तत्वों और कर्तव्यों के विषय में एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था और अर्जुन पांडवों के महारथी सेनापति थे। युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने अपने चारियों और शिक्षक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के सामने खड़ा होकर युद्ध का निर्णय करने से मना कर दिया। इस पर अर्जुन ने विनम्रता और अश्रुपूरित आंखों से भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण, जो पहले से ही अर्जुन के रथ के सारथी थे, अर्जुन के सामने अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। उन्होंने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप था। अर्जुन ने इस दिव्य दृश्य को देखकर अचंभित होकर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप संसार के सभी वस्तुओं के आदि, मध्य और अंत हैं। मैं आपके महिमा को समझ नहीं सकता, क्योंकि आप अनंत, अविनाशी और सर्वशक्तिमान हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोध किया, जिसमें कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग शामिल थे। उन्होंने यह सिखाया कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परंतु फल की आकांक्षा छोड़कर। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम बना सकता है और आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह अपने कर्मों में योग्यता और निष्काम भाव से युक्त रहकर अपने कर्मों का पालन करे। उन्होंने समझाया कि जीवन का सार यही है कि आत्मा को परमात्मा के साथ एकी भाव में लाना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर उच्चतम धर्म अर्थात भक्ति योग का अनुसरण करने की सलाह दी। इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में युद्ध का संघर्ष अपनी जिम्मेदारी के साथ लिया और युद्ध का धर्मप्रायणता के साथ पालन किया। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर धर्म की रक्षा करते हुए वीर गतिमान रूप से युद्ध किया और अपने परम मित्र श्री कृष्ण के साथ मिलकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह अद्वितीय संबंध महाभारत में अद्वितीय है और यह भगवद गीता के माध्यम से हमें जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों का बोध कराता है। अर्जुन के शोक, संदेह और असमर्थता के समय पर भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, परंतु उनसे निपटने का सही तरीका हमें सीखना चाहिए।